नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल राज आउजा कंपनी कोड राजस्थान के। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बाय फेस आपको ये चार आज एम्पलीफायर नजर आए होंगे जो कि प्रोटेक कंपनी के हैं। तो प्रोटेक ब्रांड आज के जमाने में का ऐसा ब्रांड हो चुका है जो दिन ब दिन अपने आसमान को छू रहा है। मतलब कि जो इसकी क्वालिटी और जो इसकी प्रीफरेंस है और जो कंपनी को ये रेफरेंसिंग देता है, लोगों को ये बताता है कि इस प्रोडक्ट के जो अभी के समय पे जो रिव्यूज हैं, जो फीडबैक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखी है अभी के टाइम पे। तो प्रोटेक के रेडियोस या एम्पलीफायर्स या जितने भी साइड के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग, तो उसमें से आज अपन बात करने वाले हैं प्रोटेक के एम्पलीफायर्स की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इंटरफेस, ये चार आपके पास एम्पलीफायर्स हैं जिसका आज अपन उल्लंघन करेंगे कि ये अलग अलग हैं और कलर से है या क्या है, इसके अलग अलग वेरियंट है क्या, इसके फीचर्स हैं या आपस में क्या अलग अलग हैं कि नहीं है, कि सारे एक्चुअल सेम ही होते हैं कि बताने का तरीका अलग होता है। तो इन सबको साइड में रखते हुए आज अपन करते हैं इन चारों की बात। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये चार हैं, अपन इन तीनों को अलग वे में डिस्कस करेंगे, इसको अलग वे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये फर्स्ट वाला एम्पलीफायर है, ये है प्रोटेक का, ये भी प्रोटेक, ये भी प्रोटेक, ये भी प्रोटेक। तो ब्रांड सबका सेम है, बट अलग बात आती है इसके इसके अंदर के फीचर्स की। तो इसको आप देख सकते हो ये है 1200 वाट का, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो ये है 2200 वाट का, इसको आप लोग देख सकते हो ये है 3600 वाट का, इसको आप लोग देख सकते हो ये है 4600 वाट का। तो ये 1200 वाट का है, 1200 वाट में आपको मिल जाता है सिंगल चैनल। सिंगल चैनल मीन्स कि आपको इसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो सिंगल मिलती है। इसमें आपको डुअल चैनल विद डुअल पावर, इसमें भी दो पावर, डुअल पावर, डुअल पावर। तो ये जो है 2200 वाट का, इसको बोलते हैं 2K DJ 2K 2KM, इसको 3K बोलते हैं क्योंकि 3600 वाट का है, 4K 4600 वाट का है, इसलिए इसको 4K 3K 2K। तो ये आती है इन तीनों की बात, ये आती है सिंगल चैनल। सिंगल चैनल, डबल चैनल, दो पंखे, सिंगल चैनल सिंगल फैन, डुअल चैनल दो फैन, डुअल चैनल दो फैन, डुअल चैनल दो फैन। तो अभी आप लोगों ने इसका ओवरव्यू देख लिया, 1200, 2200, 3600, 4600। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे, कि ये फंक्शंस क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जो मैंने कब बताया सिंगल चैनल, डुअल चैनल, डुअल चैनल, डुअल चैनल। कलर में इसको दोनों का अलग है, ये 2K में आ जाता है, ये 3K, ये 4K में। ये सिंगल चैनल है तो इसको आप मास्टर मतलब वॉल्यूम बटन जो होता है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। साथ ही साथ आ जाता है ये बटन, ये तीन, लो, मिड, फ्लैट और हाई, ठीक है। लो फ्लैट में क्या होगा, आपका बेस चेंज होगा, मतलब कि गूंजना, आवाज कितनी गूंजे। आप लोग इसको 0 रखेंगे तो 0% गूंजेगी, अगर आप लोग इसको फुल रखते हो तो एंड तक गूंजेगी, मतलब कि ठीक है फुल रखते हो तो, ठीक है। अब आती है मिड और हाई की बात। मिड और हाई से बनता है इसका तीखापन, ट्रिबल, मतलब कि ट्रिबल जो बढ़ता है ना कि आवाज एकदम तीखी जावे, कि आएगी तो एकदम नॉर्मल जो सिंगल लाइन आवाज होती है आपकी, बट वो तीखी जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों से आपका ये कंट्रोल होता है, ठीक है। अब रही बात इस बटन की, इस बटन में ये है, अगर आप लोग इसको प्रेस करके अंदर की तरफ रखते हो, इसका मतलब ये है कि जो आप डीजे कैबिनेट इस एम्पलीफायर से कनेक्ट कर रहे हो, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप इसको एक प्रेस कर देते हो ये बाहर निकल जाता है। तो जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह जहाँ पे भी धार्मिक हो या नॉर्मल एक हॉल टाइप हो, वहाँ पे लाउड स्पीकर आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे अभी कोटा का दशहरा मेला चल रहा है, उसमें लाउड स्पीकर आप लोग देखोगे जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, तो अगर आपको उससे कनेक्ट करना हो तो इसको बाहर निकाल देना है। अगर ये बाहर है तो आप लोग इसको एम्पलीफायर को उससे कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। अब आती है इसके इधर इधर ये जो फंक्शन इंडिकेटर्स दे रखे हैं इनकी बात। पावर, पावर मतलब कि इसमें पावर आ रही है, ऑन करा पावर आ गई, एम्पलीफायर ऑन, पावर और एम्पलीफायर ऑन में मतलब कि ये एम्पलीफायर चालू है बट इसकी पावर ऑफ है। पावर ऑन मतलब कि ये ऑन होगा जब जब ये जलेगा, ठीक है। सेकंड आती है टेम्परेचर की बात। टेम्परेचर मीन्स कि अगर हीट हो रहा है या ज़्यादा गर्मी है जिससे ये फट सकता है या कुछ भी कह सकते हो, इसमें डिफॉल्ट आ सकता है, तो ये अपने आप ही दिखा देगा कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो अभी के लिए बंद कर दो। या कंपनी ने इस चीज़ को सोचते हुए कि लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए कंपनी ने इसका एक अलग इंडिकेशन दे रखा है। ओवरलोड, ओवरलोड मतलब कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही आएगा, कनेक्शन के थ्रू, कि इसमें ओवरलोडिंग हो रही है। जैसे आप सुनते होंगे कि करंट एकदम से बढ़ गया, ओवरलोड हो गया, ओवरलोड तो सबको पता ही होता है क्या है, तो वो अगर इसमें आ रहा होगा तो ओवरलोड की लाइट या इंडिकेशन जल जाएगी, ठीक है। अब आती है इसके फॉल्ट की बात। अगर इस सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट है, इस सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉल्ट है तो ये
इंडिकेशंस ऑन दिखाएगा। दो जगह से आप कंट्रोल कर सकते हो, दो चैनल्स के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हो। जब भी आपको इससे कनेक्शन जोड़ोगे तो उसको कंट्रोल करने की पावर, जैसे मिक्सर इससे कनेक्ट करोगे या कोई भी इक्विपमेंट इससे कनेक्ट करोगे तो उसको कंट्रोलिंग पावर। इसमें सिंगल कर सकते हैं, इसमें डुअल, डुअल चैनल के साथ आ जाएगा, ये डुअल चैनल के साथ जाएगा, ये डुअल चैनल। तो इन तीनों के फंक्शन इसके थ्रू सिमिलर है, बट इसमें सिंगल कंट्रोलिंग पावर सिंगल है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, इसमें डुअल है। तो ये हो गई इसके आगे की बात। तो अब अपन इसके वर्क की बात कर लेते हैं। तो इन सब में जुड़ा हुआ है एक ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोई सी भी जगह हो या कोई सा भी एक इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हो, कोई सी भी फील्ड हो इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें ट्रांसफॉर्मर एक अलग ही रोल प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी ट्रांसफॉर्मर है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मर है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मर है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मर है, इन चारों में ट्रांसफॉर्मर है। पर आ जाती है अब इसके सर्किट की बात। सर्किट क्या होता है? जो कनेक्शन देता है, ठीक है। अब जो सिंगल चैनल है, सिंगल चैनल में सिंगल सर्किट आएगा। जैसे इधर एक सर्किट आ गया और आपको ट्रांसफॉर्मेटर कनेक्ट कर दिया, एम्पलीफायर आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये ड्यूअल चैनल है तो इसमें दो सर्किट होंगे, तो दो सर्किट कहाँ पे होंगे? एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेटर कनेक्ट और आपका चालू। इसमें भी सेम सर्किट इधर आ जाएंगे, बट ये सिंगल चैनल वाले में सर्किट एक ही होगा, इसमें दो दो सर्किट होंगे क्योंकि डुअल डुअल चैनल वाले हैं। तो ठीक है, ये आपको बार बार का समझ में आ गया ओवरव्यू। अब अपन इसके पीछे के बैक इंटरफेस पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें क्या कनेक्ट और कैसे कनेक्ट करना है और क्या चीज़ है जो अपन और चीज़ में सीख सकते हैं। तो अभी तक के लिए आपको इतना मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ये अभी तक समझ में आ रहा हो तो अभी जाके इस वीडियो को पॉज करो और लाइक कर देना, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं इसके बैक वाले इंटरफेस पे। तो बैक में आप लोग देख पा रहे हो इसमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, पर इसको ईजी करने के लिए हम आए हुए हैं, तो हम आपको पूरा एकदम नॉर्मल दो मिनट में पूरा समझा दूंगा मैं आपको, और आपको यूज करने में भी इसमें बहुत आसानी होगी जब भी आप मुझे याद करोगे, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं इसके फैंस की क्वालिटी पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आगे एक फैन है सिंगल वाले में, पीछे एक फैन है, तो इसमें टोटल दो हो गए। इस वाले में तीनों में आगे दो दो फैन है डुअल डुअल चैनल के लिए, तो इसके पीछे भी दो हैं, तो मतलब इनमें टोटल चार फैंस इन तीनों में, और इसमें दो फैंस आएंगे टोटल। दो फैंस का आरपीएम है नॉर्मल एम्पलीफायर्स के मुताबिक, इस ब्रांड को दूसरे ब्रांड के अगर जरिए देखा जाए तो उन दोनों का आरपीएम में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, और इसका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जिसकी जो रोटेशन है नॉर्मली वो 2500 तक जा सकते हैं, 2500 तक इसके नॉर्मली जा सकते हैं, पर कंपनी ये क्लेम करती है कि जाते ही हैं, ठीक है। और इनके इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, इनके इससे भी उससे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चार फैंस है, तो चार रोटेशन के हिसाब से आपको कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आ जाती है इसके इन तीनों की बात, इसको अलग रख के इन तीनों की बात आ जाती है, क्योंकि ये फंक्शन तो इनमें थोड़े बहुत अलग अलग भी हैं और थोड़े बहुत सिमिलर भी है। अब आ जाते हैं इसके फ्यूज़ की बात। जैसा कि आप लोग इन तीनों पर देख पा रहे हो, 2K 3K 4K, तो 2K 3K 4K टू सिंगल चैनल वाले से इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें फ्यूज़ है, एक्स्ट्रा फ्यूज़ है। मतलब कि फ्यूज़ क्या होता है, आपको नॉर्मल डिफॉल्ट से बचाता है, कि कोई भी अगर आपका डिफॉल्ट आना हो मशीन में तो पहले इससे उसको लड़ना पड़ेगा या पहले इसके पास आएगा। अगर ये होल्ड कर लेता है तो आपकी मशीन सेफ है, अगर ये भी कभी कभार नहीं कर पाता तो फिर आपके मशीन में फॉल्ट होगा। अगर फॉल्ट हो जाता है तो आपको पता है क्या करना है, रिपेयरिंग कहाँ लग के आनी है, राजा जाओ हमने कोटा राजस्थान के सर्विस स्टेशन पे, ठीक है। अब आती है अपन इसके फैंस की बात कर ली, ये कर ली, अब आती है मशीन की बात। ये क्या है मैं बताऊंगा। इस चीज को आप लोगों को पता होगा, हर एम्पलीफायर हर स्पीकर वगैरह का एक होता है इम्पल्सिव, जो मैंने आपको पहले भी ये टर्म बताई है। तो इम्पल्सिव आपको क्या करता है, इसमें आप इम्पल्सिव चला सकते हो, मतलब इसका इम्पल्सिव है 2 ohms 4, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा इसका है इम्पल्सिव 2 ohms 4 ohm, इतना लिमिटेड है इसका सिंगल चैनल वाले का। अब आती है इनकी बात, 2, 4, 8 ohms तक ये आराम से जा सकता है, इसका इम्पल्सिव 2, 4, 8 ohms हो सकता है, ठीक है। इम्पल्सिव जैसे मैं आपको बताया था, हर की एक कैपेसिटी है, कह सकते हो कि इसकी कैपेसिटी मान लो आप, तो कि इसकी 2, 4, 8 ohms तक आ सकती है, इसमें भी 2, 4, 8 ohms तक जा सकती है। अब आ जाती है इन ऑप्शंस की बात, ठीक है। ये डबल चैनल वाले हैं, अब अगर आप लोगों को स्पीकर कनेक्ट करना हो तो वो कैसे करोगे आप कनेक्ट, इसमें तो आपको जैसे करना पड़ेगा वायरिंग के थ्रू, ये वायरिंग के थ्रू। अगर आप लोगों को ये 2K 3K 4K में विदाउट वायरिंग चाहिए तो आपका आता है स्पीकॉन, आपको पता होगा क्या होता है वो। अगर आपके पास है तो आप इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसमें लॉस मतलब कनेक्टिविटी लॉस होने के कंट्रोल बहुत ही ज्यादा कम होंगे, बहुत ही ज्यादा कम। इसमें जो ना के बराबर होते हैं, इसमें फिर भी हो सकते हैं, पर जब आप स्पीकॉन लगाओगे तो उसमें ना के बराबर, ठीक है। अब आ जाती है इसके फ्यूज की बात, अपन ने कर ली, इसमें तो लगभग अपन ने पूरा कवर कर लिया। अब आती है सिंगल आउट और सिंगल इन, इधर भी सिंगल आउट सिंगल इन, इसको बोलते हैं जैक। अगर नॉर्मल साउंड इंडस्ट्री के अंदर कोई होगा तो उसको पता होगा ये जैक होते हैं, जैक
जैक जैक, इन चारों में जैक है, और ये होता है अनबैलेंस्ड। जितने भी जैक कनेक्शन होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं कि इसमें लूज होने के चांस हैं, ठीक है। तो इसको कंपनी को अच्छा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या इसको और बेटर बनाने के लिए 2K 3K 4K में इसको एक लेवल अप कर दिया, जिसको बोलते हैं XLR। XLR कनेक्टिविटी होती है, जब भी आप इसको मिक्सर या स्पीकर से कनेक्ट करोगे तो उसमें आप जब भी कनेक्टिविटी थोड़ी अलग डिफरेंट करनी हो तो आप XLR के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो। XLR क्या होता है, वो बैलेंस्ड होता है, जिसकी कनेक्टिविटी बैलेंस्ड होती है कि इसमें जो लॉस होने के चांस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, मतलब 1-2% के चांस होते हैं। अगर इसमें लगभग लगभग तो जीरो होते हैं, बट मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको रियलिटी, क्योंकि अपन रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। 1-2% चांस होता है कि हो जाए, पर जैक में 50-50 हो जाता है, 30-40 हो जाता है, 70-30 भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग कंपनी के ब्रांड के अकॉर्डिंग होता है। अब आ जाते हैं इसमें इक्विलाइजर। इक्विलाइजर आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत कनेक्शन नॉर्मल रखने के लिए, ठीक है, इसकी बात अपन कर लेते हैं। ये रीसेट का ऑप्शन दे रखा है कि कहीं से होता है कि कुछ खराबी आ जाती है, दिक्कत हो जाती है, जिसमें कंपनी आपको एक्शन दे रखा है। अब याद आती कोटेशन लिखा होता है, जहाँ पे कोटेशन लिखा रहते हैं कि सावधानी, चेतावनी, जो भी आप देख सकते हो इधर चारों में दिख जाएगी आपको, ठीक है। अब आप इसकी बात कर ली, इसमें इसमें और इसमें 2K 3K 4K में इसमें एक अलग कनेक्शन दिया हुआ है, या इसको कह सकते हैं एक अलग मोड्स है, ठीक है। इसके मोड हैं आपके पैरेलल, स्टेरियो और ब्रिज लेफ्ट, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर कर देते हो तो ये ब्रिज लेफ्ट में हो जाएगा, जहाँ आपको ये इंडिकेटर ऑन होता हुआ दिख जाएगा। सेंटर पे रखते हो तो पैरेलल कनेक्शन आ जाएगा, और अगर नीचे कर देते हो तो स्टीरियो मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन मोड्स हैं इसके, ठीक है। अभी तक अपन ने इसकी पूरी आगे पीछे कनेक्शन ये आपको दे रखी है, वायर ये बताइए आप लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करो चलाओ, ठीक है। अपन ने आज ये सारे एम्पलीफायर्स की बात कर ली। अब अगर आप लोगों को खरीदना हो तो क्या करोगे आप लोग, तो खरीदने के लिए आप लोगों को सिर्फ हमसे कॉन्टेक्ट करोगे, जो मैंने आपको इधर नंबर दे रखे होंगे, साथ ही साथ राज आहूजा कंपनी कोटा राजस्थान पे आप लोग सीधा फोन पे बात करो, या तो हमारी जो विजिट करो साइट, अगर आप लोग कोटा से हैं, और अगर कोटा से भी नहीं हो, आसपास एरिया से हो, जैसे कि कोटा बूंदी झालावाड़ या राजस्थान में कहीं से भी, या जयपुर से भी हो, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग हमारी साइट पे विजिट करो, राज आहूजा कंपनी कोटा राजस्थान के। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी एम्पलीफायर में 2K 3K 4K, जो कि बहुत सारे लोगों की मेन दिक्कत होती है कि 2K 3K 4K में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको बता दिया वोल्टेज का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वाट पावर का डिफरेंस होता है, थोड़ी बहुत चीजें और है। मेनली जो सर्वर वो सिमिलर भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है फंक्शंस, क्योंकि 3K 4K तो आ ही रहा है ना। अब बात आती है 2, 3, 4, जैसा कि आप लोगों को पता है नंबरिंग अगर बढ़ती जा रही है तो इसके फीचर्स और ज्यादा बढ़ेंगे, सिंगल चैनल, डुअल चैनल, डुअल चैनल, डुअल चैनल। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी हो तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉन्टेक्ट नंबर है ही सही आप लोगों के, हमारे साथ हम लोग आपसे कनेक्टेड है ही सही, 24/7 आप जब चाहे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसके उसमें ही मतलब साउंड इंडस्ट्री के अंदर या कह सकते हो और ज्यादा साउंड सिस्टम के अंदर कोई चीज हो जिसकी क्वायरी आपके मन में आ रही हो और आप वीडियो के थ्रू समझना चाहते हो तो हमारे इस पे कमेंट करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।